पदार्थ के मुख्य रूप से क्या अवस्था? तीन। तीनों का नाम बोलिए। ठोस, द्रव और गैस। और ऐसे क्या कितनी अवस्था होती है? पांच। पांचों का नाम बोलिए। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। बताइए द्रव किसे कहेंगे? वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित हो उसे द्रव कहा जाता है, जैसे पानी, दूध इत्यादि। गलनांक बोलिए क्या है? जिस ताप पर पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में चले जाते हैं उसे हम गलनांक कहते हैं। बताइए वर्क का गलनांक कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। ताप का सामान्य मात्रक बोलिए। ताप का सामान्य मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। ताप का एसआई मात्रक बोलिए। केल्विन। ताप और केल्विन और सेल्सियस में संबंध बोलिए। केल्विन और सेल्सियस में मतलब ताप का मात्रक होता है केल्विन और सेल्सियस होता है, दोनों में संबंध क्या है? केल्विन और सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस में संबंध बताइए। अच्छा बताए थे केल्विन बराबर फार्मूला बोलिए, तो वही तो है संबंध। आप लोग को नहीं दिखाई थी बोला केल्विन ताप बराबर सेल्सियस ताप प्लस 273 और सेल्सियस ताप बराबर सेल्सियस ताप बराबर केल्विन ताप माइनस 273। चलिए आगे बताइए अंतरणिक बल क्या है? दो पदार्थों के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है जो उन्हें आपस में बांध कर रखता है उसे हम अंतरणिक बल कहते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच का वो परिमेय संख्या अनंत। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। आगे बताइए सम संख्या कहाँ शुरू होता है? 2 से। कहेगा 2 लगातार सम संख्या का मौसा कितना? 2। और 2 लगातार संख्या का मौसा कितना? 1। आगे बताइए 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना? 1। पाई बोलिए परिमेय की अपरिमेय? अपरिमेय। पाई का सन्निकटमान बोलिए? 2/7। कोण के रूप में बोलिए? 180। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इनका 49 आया है, एक टेबल में 5 कलम भर दे। अधिकारी से 5 कलम भर दे। देखिए कितना उल्टी सर। कोई दिक्कत नहीं। इसको 50 में 50 है, उसको 500 रुपया। 10 और 50 नंबर ये वो तो मिलेगा। आज सर 10 कह रहा 400 रुपया। ना सर 400 एक आंसर मतलब एक क्वेश्चन का कितना महत्व है, एक नंबर का कितना महत्व है? 500 पहुंच जाता है। एक नंबर में 500 मिल जाएगा। ऐसे तो 499 आराम से लिखेगा 2 महीना। बड़ी बोलता है जी।
देखिए ये सही है ना, सही है ऐसा अभी का है। देखिए एक नंबर लेकर आते हैं और 500 में का प्राइज मिलता है। अगला बार से गलती नहीं करना है, ठीक। अगला बार से एकदम 50 में 50 लाना है, 30 में 30 लाना है। मोटू कहीं का आज सर।